Monica Bedi. She is a top educator in the K-12 category. She also teaches chemistry on Unacademy class 11 and 12 platform. She is among the top 30 All India rankers in CSIR NET. So, hi everyone, myself Monica Bedi. बहुत क्विज़ेस लिए ना बच्चों की, बहुत एग्जाम लिए हैं, आज अपना टाइम आया है तो सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। We all react to things differently, but our first reaction counts for a lot. How would you react to the following events? Someone says they hate organic chemistry. Hate organic chemistry? वैसे मेरे लिए नया नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं और इस वक्त मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि आइए कभी हमारी क्लास में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मोहब्बत करना सिखाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें खुद हो जाती हैं और कुछ चीजें करवानी पड़ती हैं। You're invited to do a TED Talk. TED Talk, तो मैं बोलूंगी well, thank you very very much, but मैं इतना ज्ञान अपने चैनल पे अपने स्टूडेंट्स में बांट देती हूँ कि मुझे शायद TED Talk की रिक्वायरमेंट नहीं है। The chai you served doesn't have sugar in it. Oh my God, चाय में चीनी नहीं है। ये चाय और चीनी का जो रिश्ता है ना, ये कुछ हीर रांझे जैसा है। मतलब I am such a tea lover कि मैं compromise नहीं कर सकती। हो सकता है कि जो चाय सर्व कर रहा है, मैं बोल दूं पहले आप लीजिए। A chipkali falls on you during your live session. मैं चिपकली से बहुत डरती हूँ भाई, मैं भाग जाऊंगी और मैं मेरे लर्नर्स को ये भी नहीं बता पाऊंगी कि मैं भागी क्यों, और शायद मैं चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाऊंगी और वहां से अपने लर्नर्स को बताऊंगी, बिकॉज आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड ऑफ छिपकली। और छिपकली अगर मुझ पे गिर जाए तो शायद मैं माइक के साथ भाग जाऊंगी, माइक भी टूट सकता है, एनीथिंग में हैपन। छिपकली गिरने का मतलब है मैम के साथ कुछ भी हो सकता है, बस आई विल जस्ट रन अवे। 90% of your learners score 95 above in their boards. 95 above in boards. तो इसके लिए मेरे पास में आंसर तो नहीं है, बट एक रिएक्शन है। I'll show you. Can you narrate one funny incident from your life that makes you laugh to this day? Funny incident? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे लर्नर्स से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ना जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल्स देके पढ़ाती हूँ। तो वन डे आई वाज टीचिंग अ चैप्टर इन माय ऑनलाइन क्लास जिसमें मैं चावल धो रही थी, है ना, एंड सडनली मैंने बच्चों के चैट्स ऑफ करने के बजाय खुद को म्यूट कर दिया गलती से, और वैसे ये हो जाता है मेरे साथ कभी कभी। लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ कि मैं इतनी उस एग्जाम्पल में खो गई कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे 10 मिनट तक बोलते रहे कि मैम आप म्यूट हो म्यूट हो म्यूट हो, एंड आई वाज सो मच इनटू दैट एग्जाम्पल कि मैंने उनकी चैट्स भी इग्नोर कर दी, मतलब मैंने देखा ही नहीं। एंड जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं बहुत देर से पढ़ा रही हूँ और मैं म्यूट हूँ, तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। अब तो मैंने अपने लर्नर से पूछा कि बेटा कब से मैं म्यूट हूँ, कहाँ से पढ़ाना शुरू करूँ। तो बच्चे पता क्या बोले, बच्चे बोले मैम जब आप चावल धो रही थी ना तो वो चावल वापस से धोना शुरू कीजिए। तो लर्नर्स की जो बात थी कि मैम चावल धोने से शुरू करना है, मुझे इतनी हंसी आई इस बात पे कि मैं सेशन एंड करने के बाद भी सारा दिन हंसती रही उस बात पे। We've heard you sing well. Please sing a song for us. Any time. गाना एक ऐसा शौक है मेरा जो जब बोलेगा तब गा सकती हूँ, है ना। लेकिन अभी कौन सा गाना सुनाऊं? हाँ, ये वाला गाना सुनाती हूँ। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। What's one thing you love and one thing you hate about modern culture? मॉडर्न कल्चर, आई लव सो मेनी थिंग्स अबाउट मॉडर्न कल्चर, और साथ साथ हाँ एक दो चीज़ें हैं जो मुझे डिसएडवांटेज भी लगती है मॉडर्न कल्चर की। जो चीज़ें मुझे पसंद है मॉडर्न कल्चर की वो ये है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्रेस, एंड क्योंकि मैं स्टूडेंट क्राउड में रहती हूँ एडुकेटर होने के नाते, तो जो ये एक चीज़ है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस है आज की डेट में, है ना, तो जो काबिल है वो आगे जाएगा। ये सब चीज़ें आज के ज़माने की जो चीज़ें हैं ये इनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ, जैसे अभी क्या है ना कि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और सबके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, तो वो जो वर्चुअल फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा है। और एक्चुअल में देखा जाए तो हर किसी की लाइफ में जो रियल फ्रेंडशिप है वो बहुत सिमट के रह गई है मॉडर्न कल्चर में। तो इट इज़ समथिंग विच आई डिसलाइक अबाउट मॉडर्न कल्चर। इज देयर एनीथिंग यू फील यू कैन लर्न फ्रॉम योर लर्नर्स? एक्चुअली अ लॉट बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे ऐसे लर्नर्स हैं मेरे जिन्होंने मतलब एक्चुअली मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया है जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और मुझे लगता है कि इस लेवल का रिस्पेक्ट जो मेरे लर्नर्स ने मुझे दिया है वो रिस्पेक्ट अगर मैं अपने एल्डर्स को दूँ तो आई बी ए कम्प्लीट पर्सनैलिटी, विच डजंट मीन कि मैं मेरे एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं देती, बहुत देती हूँ। इट मीन्स कि जिस लेवल पर वो मुझे बिठा देते हैं ना, उस लेवल पे मैं अगर अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करूं तो इट विल सर्टेनली मेक मी अ कंप्लीट पर्सनालिटी। यू मोटिवेट योर लर्नर्स इन डिफरेंट वेज, हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? मैं मेरे लर्नर्स को पढ़ने के लिए मोटिवेट करती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे लर्नर्स मुझे लाइफ में मोटिवेटेड रखते हैं, पता है कैसे? अगर कभी मेरा मूड खराब है या डल है तो मैं अपने आप से ये कहती हूँ कि इतने बच्चों की जिम्मेदारी है तुम पे, इतने बच्चों का भरोसा है तुम पे, तुम इस तरह से डल नहीं हो सकती हो। तो दिस इज द वे कि मेरे लर्नर्स मुझे मोटिवेटेड रखते हैं रियल लाइफ में। मैं तो उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करती हूँ, मुझे लाइफ में मोटिवेटेड रखते हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर ओके यू कुड गो बैक इन टाइम एंड यू गेट टू मीट द 21-year-old मोनिका बेदी. What do you think would be the first thing the present you would say to her? मैं 21 years old Monica Bedi को बहुत चीज़ें सिखाना चाहूँगी, क्योंकि when I was 21 years मैं इतनी प्लान नहीं थी, इतनी डिसिप्लिन नहीं थी, इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी जितनी मैं महसूस करती हूँ कि आज मैं हूँ। और आज मैं जितनी मेरे लर्नर्स को ऐसा रहने के लिए सिखाती हूँ कि बी ऑर्गेनाइज्ड, बी मोटिवेटेड, बी प्लान्ड, बी डिसिप्लिन, मैं एक्चुअली 21 इयर्स में मैं नहीं थी। तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं 21 इयर्स की मोनिका बेदी को जिंदगी में बहुत कुछ सिखाना चाहूँगी। शायद मुझे लगता है वो और डिसिप्लिन होती और प्लान्ड होती तो पता नहीं कहाँ होती। There isn't anything Unacademy doesn't offer when it comes to education. Name 10 Unacademy channels in 5 seconds. Unacademy 9th and 10th, Unacademy 11th and 12th, Unacademy 6th, 7th, 8th, Unacademy NET, Unacademy JEE, Unacademy First. 5 seconds हो गए शायद. I think मैं passing marks तो आ गए. Like, subscribe and share.